पंचायती राज संस्थाओं के जल्द होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी कर्मठ ईमानदार व कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी। कांग्रेस पार्टी एक पद के लिए एक ही कांग्रेस विचारधारा वाले उम्मीदवार को खड़ा करेगी ताकि वे जीत दर्ज कर सके। इस बात की जानकारी पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं किन्नौर के वर्तमान कांग्रेसी विधायक जगत सिंह नेगी ने रामपुर में दी। उन्होंने रामपुर में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि हिमाचल में जल्द पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के सभी संगठन जिताऊ और पार्टी के लिए समर्पित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। पार्टी के निर्देशों को न मानकर चुनाव में खड़े होने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ संगठन कार्यवाही करेगा। इस दौरान रामपुर के कांग्रेसी विधायक नंदलाल और शिमला ग्रामीण के कांग्रेस उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा ने रामपुर में कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने बताया कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इस पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में वैसे तो पार्टी आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सभी पार्टियां सम्मिलित हैं। कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाई है कि ऐसे उम्मीदवारों को आगे लाएं जो जिताऊ हों और जनता वो पार्टी के प्रति समर्पित हों। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना व अन्य नियमों का ध्यान रखा जाएगा। कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए गए। इन पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है भारी बहुमत से आगे आएंगे, समर्पित हमारे जो कैंडिडेट हैं। ये पार्टी की तरफ से कि एक ही उम्मीदवार खड़ा हो, कोशिश यही रहेगी कि जो सबसे अच्छा योग्य जीतने वाला उम्मीदवार है उसको आगे किया जाए। इस दौरान ग्रामीण स्तर पर कौन से मुद्दे रहेंगे जो कि आपके प्रत्याशी को उसमें सहायता मिल सके? इस बार तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर है, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात की जाए। जयराम की सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन 3 सालों में जो यहाँ पर अव्यवस्था रही है, यहाँ पर चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, चाहे आर्थिक रूप से है, चाहे जमीनी स्तर पर काम की बात है, चाहे किसी भी विभाग का है, बहुत ही मतलब स्थिति खराब रही है। इन मुद्दों को लेकर जो है हम चुनाव लड़ेंगे।